नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। बिहार के मुजफ्फर में आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि महिलाओं का आरक्षण जाति और पिछड़े अति पिछड़े आधार पर होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के बाल और लिपस्टिक पर कमेंट किया। आरजेडी नेता ने कहा कि इस महिला आरक्षण का फायदा उठाकर बॉब कट और लिपस्टिक वाली औरतें आगे आ जाएंगी। यही नहीं, लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव तक टीवी सोशल मीडिया से दूर रहने की भी अपील की। महिला आरक्षण बोलते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी वो चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आरक्षण देना है तो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी महिलाओं को दें, अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा तय किया जाए तब तो ठीक है, वरना महिलाओं के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली औरतें ही आगे आएंगी। नौकरी में तब आपकी महिलाओं को कुछ मिलेगा। रजत महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से महिलाओं पर दिए गए बयान ने फिर नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उस पर सियासी घमासान तेज होने के बड़े आसार हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में अपने संबोधन के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लोगों को 2024 और 25 तक टीवी सोशल मीडिया से दूर रहने की नसीहत दे डाली। इन्होंने कहा कि टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और कसम खाइए कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक इससे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर लोगों को नसीहत भी दी और साथ ही साथ औरतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए यहाँ पर आरजेडी के नेता नजर आए। और महिला आरक्षण बिल संसद में भी विवाद में था और अब यहाँ पर कार्यक्रमों में भी और सड़कों पर भी छोटी मोटी बातों पर भी यहाँ महिला आरक्षण पूरी चर्चा में है। तो देखा जाए यहाँ पर लाइमलाइट में पूरी तरीके से महिला आरक्षण आ चुका है, जिसके ऊपर सब अपनी टिप्पणी देने को आतुर हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।